तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज हम लोग बात करेंगे विप्रो को लेकर के। विप्रो और ये स्टॉक बिल्कुल अपने सपोर्ट के पास अभी मिल रहा है करंट टाइम में। और जो अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हो ना, इस स्टॉक के अंदर आराम से स्विंग ट्रेड करके चल सकते हैं। और टारगेट हमारा ये रहेगा 352 सपोर्ट, और टारगेट ये रहेगा 392, 392 रुपये का। अभी स्टॉक इस यहाँ मंथली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देखें तो रेड कैंडल बन रहा है स्टॉक के अंदर, और डेफिनेटली डेफिनेटली ये सपोर्ट लाइन है, ये सपोर्ट लाइन है नीला वाला। तो यहाँ आकर के ये स्टॉक सपोर्ट लेगा कहाँ पे? 363 के प्राइस में और 354 के प्राइस में। अगर 354 का प्राइस मिल जाए तो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया है, अच्छा है। तो इसी स्टॉक को हम यहाँ कहीं बाय करके चल सकते हैं। प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ हमें बाय भी करना होगा। तो अगर हम एंट्री करेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमें जा करके झांकना होगा भैया। तो देख सकते हैं, अगर हम यहाँ कैप्चर करते 359 के प्राइस में, तो हमारा स्टॉप लॉस यही रहेगा 351। अगर 351 के प्राइस में आता है ये स्टॉक तो डेफिनेटली बाय करो, और हमारे स्टॉप लॉस 350 कर देंगे। और यहाँ से ये स्टॉक अब भागने के लिए ऊपर तैयार रहेगा, और हमारा टारगेट यही रहेगा 391 रुपये का। और इस प्राइस में मिल जाता है 360 के, तो यहाँ तक आने में हमें 6 और 8% 10% का रिटर्न बन जाएगा इजीली। तो इतना रिटर्न मिल सकता है एनुअल टाइम में। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप आ रहे हो ना, डेफिनेटली इस स्टॉक को यहाँ कहीं बाई करके चल सकते हो। बिल्कुल करो बना रहा है ये स्टॉक, और अपने सपोर्ट के पास आ चुका है स्टॉक ने। अच्छा पैसा बना करके दिया लोगों को 2020 से। 2020 में 174 के प्राइस में आ गया था, और वहाँ से इसने हाई लगाया 739 का, और 322% का रिटर्न लोगों को बना करके दिया कम समय के अंदर। और फिर उस टॉप से ये स्टॉक के अंदर करेक्शन आया कितने परसेंट का? 52% का। तो इतना करेक्शन बहुत होता है, बहुत मायने रखता है इतना करेक्शन। और इस लेवल पे हम अगर बाई करते तो बहुत अच्छी बाइंग प्राइस बनती है हमारी, और आने वाले टाइम में बहुत ही जल्द आपको ये टारगेट देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आपने 356 के प्राइस में बाई किया है तो सबसे पहला टारगेट हमारा 644 है, 80% का रिटर्न, और टॉप 106 737 है। तो ये हमारा टॉप है 106, मैंने 100% रिटर्न मिल सकता है। अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो डेफिनेटली इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए आए तो वही 8-10% का रिटर्न हमें बटोरते हुए जाना होगा, यानी स्विंग ट्रेडर के लिए 8-10% का रिटर्न निकाल सकते हैं ऐसे स्टॉक से कम टाइम के अंदर। लेकिन लॉन्ग टर्म वाले 100% का भी रिटर्न निकाल सकते हैं। और ये स्टॉक ना ऑल टाइम में देखोगे तो ऊपर की तरफ भागता हुआ मिलेगा आपको, लेकिन पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसे करके स्लो ग्रोथ स्टॉक है। स्लोली स्लोली ग्रोथ करता है, लेकिन ग्रोथ करता है रहता है ये स्टॉक। तो इस स्टॉक को अपने नज़रों में बना करके रख सकते हैं। स्टॉक विप्रो स्टॉक भी के हिसाब से सस्ते प्राइस मिल रहा है 18, स्टॉक भी 18 और इंडस्ट्री भी है 24। दोनों इंडस्ट्रीज भी और स्टॉक भी के हिसाब से सस्ते प्राइस में मिल रहा है। आर ओ सी आर ओ भी अच्छा है, 17 से 17+ है, और आर ओ भी 15+ है। तो ये भी ठीक, प्रमोटर पास काफ़ी अच्छी होल्डिंग है, और ये कंपनी बिल्कुल डेट फ्री बोल करके चल सकते हो, क्योंकि 17,000 का कर्ज है और 11,631 करोड़ का कैश फ्लो है। तो और एनुअल प्रॉफिट 11,386 करोड़ का है, तो कभी भी अपने कर्जों को ख़त्म कर सकता है। क्वार्टरली ना एक बार देख लें तो मार्च 23 वाले क्वार्टर में 4,505 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया कंपनी के पास। तो कहीं ना कहीं ठीक है, ठीक बोल करके चल सकते हैं, बहुत अच्छा नहीं बोल सकते, ठीक बोल करके चल सकते हैं ऐसे स्टॉक को, ऐसे क्वार्टरली रिजल्ट को। और नेट प्रॉफिट जैसे देखो आप, आईटी सेक्टर में ना भूचाल आया हुआ है, सबके अच्छे परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन विप्रो का कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्मेंस है, अच्छा रिजल्ट आया है, ठीक है। और आईटी सेक्टर वैसे भी रिटर्न नहीं बना करके दे रहे हैं, तो ये स्टॉक भी रिटर्न नहीं बना रहा है, लेकिन किस हद तक रिटर्न नहीं बनाएगा? जितना गिरना था गिर चुका यार, करेक्शन जितना होना था हो चुका। अब भागने के लिए तैयार रहना, मतलब ये स्टॉक भागने के लिए तैयार है।
अब देखो 3,094 करोड़ का ऑपरेट नेट प्रॉफिट आया कंपनी बस इतना, ठीक है अच्छा बोल करके चल सकते हैं। 2023 ईयरली बेस 2023 में 16,848 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है, उससे पहले 2022 में 16,684, तो एक रेंज में है, अच्छा प्रॉफिट ला रहा है एक रेंज में है इस साल। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 11,366 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ कंपनी को, कहीं ना कहीं पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा कम है लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ठीक है। सेल्स कहीं ना कहीं 2022 की अपेक्षा अच्छे आए हैं, लेकिन एक्सपेंस पे कुछ पैसा खर्चे हुए हैं, कुछ इंटरेस्ट में चले गए हैं, कुछ डिप्रिसिएशन में चले गए हैं, टैक्स लगा है, तो इन सारी चीज़ों में पैसे कटने की वजह से प्रॉफिट थोड़े से कम हुए हैं। कंपनी आपको हमेशा डिविडेंड पे आउट करती रहती है। तो ये स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है, अब इससे ज़्यादा क्या ही नीचे गिरेगा, तो अपने सपोर्ट के पास बाई करो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। स्विंग ट्रेडर अगर है तो प्रॉपर स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस के साथ जैसे जैसे ऊपर जाए वैसे ऐसे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ऊपर करते जाओ ताकि हमारा प्रॉफिट प्रोटेक्ट रहे, तो ऐसे हम काम काज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए तो अपॉर्चुनिटी है एक यहाँ बाई करने का।